हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल स्टेप फॉर ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, ये हम लोग ये वाला केस पढ़ रहे थे ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, और उसमें हमने रीज़न फर्स्ट और रीज़न सेकंड के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख करके उनके सॉल्यूशंस लिख लिए थे। और ये जो साई फर्स्ट एक्स है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज इंसिडेंट वेव फंक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। एंड रीज़न सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोटा वाले जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन को ही बताते हैं। ये आप ध्यान रखें, जो पिछला केस था वहाँ पे रियल सॉल्यूशन मिला था, इसलिए वहाँ पे अलग कंडीशंस लगाई थी हमने। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट होंगी। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन जो है उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि सॉरी इंसिडेंट का है, रिफ्लेक्टेड का नहीं है। जब हम रीज़न सेकंड में होंगे तो रीज़न सेकंड में ऐसा कोई बैरियर या कुछ भी रास्ते में नहीं है जिससे टकरा करके वेव वापस आएगी। तो एक बार ट्रांसमिट हो गई, दैट मीन्स वो केवल इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं अपन इसमें और इसको किस तरीके से बताएंगे। फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और यू कैन से रीज़न सेकेंड, देर इज नो बैरियर बाय विच इंसीडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड। देयरफोर द सेकेंड पार्ट डी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स इज इनवैलिड। देयरफोर साई सेकेंड में जो वैलिड है हमारे पास वो क्या है, सिर्फ सी ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, इसको मैं नंबर डाल रही हूँ 23। समझ में आ गई? तो हमारे पास कंबाइंड सॉल्यूशन लिख देते हैं हम दोनों को मिला करके। देयरफोर बाय 21 एंड 23 द सॉल्यूशंस और वेव फंक्शंस फॉर रीजन फर्स्ट एक्स लेस देन ज़ीरो एंड रीजन सेकंड एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर केस E ग्रेटर देन वी नॉट। कितना होगा वो E ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, दोनों रीजन्स के लिए जो सॉल्यूशन हमने निकाल लिए वो कंबाइंडली एक साथ लिख लीजिए। ए की पावर आयोटा के एक्स, बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, एक तो ये होगा, और साई सेकेंड एक्स कितना होगा, सी ई की पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, ये एक्स लेस देन ज़ीरो, ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, कंबाइंडली आप इसको 24 डाल दीजिए। समझ में आ गए? अब यहाँ पे अननोन कॉन्स्टेंट्स है, यही प्रोसीजर हमने ई लेस देन वी नॉट के लिए भी फॉलो किया था। अब यहाँ पे अननोन कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, ए बी और सी, वहाँ कौन कौन से थे, ए बी और डी। ठीक है, तो फिर हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी और उससे फिर हमने कॉन्स्टेंट्स निकाले थे। डी की वैल्यू ए की फॉर्म में निकाली थी और बी की वैल्यू भी ए की फॉर्म में निकाली थी, याद है आप सभी को। अब की बार क्या करेंगे, सी की वैल्यू ए की फॉर्म में निकालेंगे और बी की वैल्यू ए की फॉर्म में निकालेंगे। तो मतलब जहाँ जो डी था उसकी जगह वो वाला काम अब कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी, वी विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस सेम होंगी। ठीक है, जो पिछली बार थी साई फर्स्ट एक्स और साई सेकंड एक्स जो है वो किस पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, है ना, ये इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर दोनों इक्वल होंगे। और इनका डेरिवेटिव्स जो होंगे, यानी कि डी फर्स्ट एक्स किस पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल होगा डी साई सेकंड एट एक्स इज इक्वल टू, यही बाउंड्री कंडीशन वहाँ यूज़ की थी हमने। यानी कि इक्वेशन 24 में जो फर्स्ट और सेकंड है, एक्स इक्वल टू जीरो पर दोनों की वैल्यूज़ को जीरो कर देंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर हम इनको डिराइव, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें फिर हम एक्स बराबर जीरो रखकर दोनों को इक्वल कर देंगे। तो उससे हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करके हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आ गई? पहले कर चुके हैं अपन, तो प्रोसीजर वही है, थोड़ा सा चीज़ें शक्ल चेंज हुई है बस थोड़ी सी यहाँ पे।
समझ में आ गया? ठीक है, नाउ अप्लाई, है ना, अप्लाई करो, फर्स्ट पर अप्लाई करो तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ जीरो रख दोगे, यहाँ जीरो रख दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? सी। वहाँ पर क्या आया था? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी आया था, यहाँ पर सी आ जाएगा। नंबर डाल दिया 25, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? आयोटा के, ठीक है, आयोटा के आगे आ जाएगा ए की पावर आयोटा के एक्स, फिर वहाँ एक्स बराबर जीरो रखोगे, यही तो करोगे, फिर इधर माइनस आयोटा के आएगा, है ना। तो एक तरीके से आयोटा के कॉमन आ रहा है, अंदर ए माइनस बी आ रहा है, और जो ई की पावर आयोटा के एक्स और ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, वाई एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वो तो वन हो जाएंगे, ठीक है। इजी इज इक्वल्स टू इधर कितना आएगा? आयोटा के इंटू सी। समझ में आ गई? अब देखो, अब अंतर आ गया, वहाँ पर ये वाली जो टर्म थी ना वो कैसी थी, याद होगा आपको, वो रियल थी, याद है ना आपको? तो वो हाँ, वहाँ पे हमारे पास बचा था डी ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, तो माइनस एल्फा आगे आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर तो आयोटा से आयोटा कैंसिल होने के चांसेस नहीं थे, बिकॉज एक तरफ इमेजिनरी था दूसरी तरफ रियल था। लेकिन अभी एक बेनिफिट क्या मिला है हमें? बेनिफिट ये मिला है, अच्छा एक चीज़ और मेरे मेरे से मिस हो गई है, वो ये है कि जब आप ये लिखो ना, सेकेंड रीजन का सोल्यूशन लिखो, तो वहाँ पे आप क्या नाम से इसको आपने क्या बोला पिछली बार, हमने इसको, मैंने इसको नहीं डिफाइन करवाया ना, वहाँ पे जो 2m/h² वी नॉट माइनस ही था उसको हमने अल्फा बोला था। अब इसको तो अल्फा नहीं बोल सकते अपन, इसको के भी नहीं बोल सकते, क्योंकि के तो हमारे पास अंडर रूट 2m/h² है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये आप और लिख लो, है ना, ये कितना होगा? K1। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? K1 से। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कुछ और रख लो, लेकिन ये रखते आ रहे हैं, तरीका है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ भी रख लो, और क्या रखोगे आप? ABCD तो सब में ही काम आ रहे हैं, और क्या रखोगे? और कोई ऐसा फेमस कॉन्स्टेंट बचा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको K1 मान रहे हो, तो यहाँ भी K1 और यहाँ भी K1 आएगा, ठीक है। तो फिर कौन जीरो हुआ? यहाँ पे सब जगह K1 कर देना, जहाँ जहाँ सेकेंड रीजन की बात कर रहे हैं, ये K1 हो जाएगा और ये भी K1 हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रख। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? फिर K1 आएगा। समझ में आ गई ना? ठीक है, कन्फ्यूज़न तो कुछ होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ हम के उसको मान चुके हैं, तो के इसको तो नहीं मान सकते हम, वी नॉट माइनस ई वाले टर्म को हम अल्फा मान चुके थे, तो यहाँ इसको अल्फा भी नहीं मान सकते, ठीक है। और आयोटा वाली टर्म है, तो उनको प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट की फॉर्म में ही मानो तो बेटर है, इसलिए यहाँ पे आप इसको K1 ही मानो, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या क्या कट गया? आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया मुझे? मुझे मिल गया KA-B इज इक्वल्स टू K1C। ये किस कितने नंबर हो गया? 26। अब मेरे को क्या करना है? 25 और 26 को सॉल्व करना है, और मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, करें। नाउ सॉल्विंग 25 एंड 26, है ना, 26 ये क्या इक्वेशन है? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, और के ए माइनस बी इज इक्वल टू K1C है। आप एक काम करो, इस के को उठा लाओ यहाँ पे, K1/K हो गया। अब क्या कर दो? ऐड कर दो, पहले दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2A आएगा, मैं 2 को यहाँ पे लेकर जा रही हूँ, तो वो कितना आएगा? 1+K1/K और 1/2, ये नीचे आ गया, ये वाला 2 जो था, और ये सी, है ना। हमें क्या चाहिए? सी की वैल्यू निकालनी है ए की फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो के आएगा, फिर यहाँ पे के आ जाएगा तो 2K आएगा। हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 2K/K1 A, यही तो वैल्यू आएगी सी की, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया 27। तो भाई ये थोड़े ना कोई दिक्कत थोड़ी ना मैथमेटिक्स से सिंपल, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू K1/K × C, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे, है ना, तो ये कटेगा आपकी बार, तो कितना आएगा? 2B, है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा? 2B और 1 माइनस K1/K × C, ठीक है। फिर आप क्या करो, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आएगी, एलसीएम ले लो, यहाँ आ जाओ,
तो कितना आएगा, 2k अपॉन के माइनस के वन इंटू बी। आप क्या कर सकते हो, अच्छा सॉरी ऐसा करो ना आप, इससे अच्छा सीधा इस वाली टर्म को छोड़ो, यहाँ आओ आप, सी की वैल्यू आपको क्या चाहिए भाई, सी की वैल्यू एक ही फॉर्म में आ गई, तो आप बी की वैल्यू एक ही फॉर्म में निकालना चाहते हो, है ना, तो आप सी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो बी की वैल्यू एक ही फॉर्म में आ गई, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, तो बी कितना आएगा, बी आएगा के माइनस के वन, और ये टू नीचे आ जाएगा एलसीएम के बाद 2k, और सी की वैल्यू मैं यहाँ से रख रही हूँ, है ना, तो 2k अपॉन के प्लस के वन इंटू ए, इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना, मतलब बेवजह एक स्टेप बढ़ेगा उससे और कुछ नहीं है, ये देखो 2k से 2k कैंसिल, तो बी कितना आ गया के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन इंटू ए, तो बी की वैल्यू आ गई ए की फॉर्म में 28। समझ में आ गई मेरी बात आपको, तो सी की वैल्यू आ गई ए की फॉर्म में, बी की वैल्यू आ गई ए की। अब ये आपके अरेंजमेंट है, आप कैसे सॉल्व, ज़रूरी नहीं है इसी मेथड से सॉल्व करो, अब विलोपन विधि एक और होती है उससे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हो, बी की वैल्यू को फिर वहाँ रख सकते हो, उस तरीके उस मेथड से भी कर सकते हो, है ना, वो एक आप वो आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताए थे आपको, ठीक है, बट सिंपल वे यही पड़ता है, आप इसको फॉलो करो, कोई और सिंपल लगता है आपको वो फॉलो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर सी की वैल्यू ए की फॉर्म में आनी चाहिए और बी की वैल्यू ए की फॉर्म में, समझ में आ गई, तो मुझे सी की और बी की वैल्यू मिल गई। मैं क्या करूँगी, 27 और 28 को कहाँ रखूँगी, यहाँ 24 में, यही प्रोसीजर हमने वहाँ भी फॉलो किया था, जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे रियल पार्ट था, यहाँ भी आपका आयोटा नहीं आया था, है ना, बाकी सारा वही चल रहा है, समझ में आ गई, तो मैं रख दूँ 24 इक्वेशन में 27 और 28 को, यानी कि बी की और सी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, रखो, ठीक है, रख रही हूँ मैं वैल्यू, पुट इक्वेशन कौन सी 27 and 28 into 24, है ना, 24 क्या है, ये रही, यहाँ रखनी है हमें, therefore साई फर्स्ट एक्स, ए तो ऐसे का ऐसा रहना है, ठीक है, और देखो बी की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू ए की फॉर्म में है, है ना, यहाँ भी रखेंगे तो ए तो कॉमन आएगा, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, है ना, ठीक है भाई। ये किसके लिए है, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, है ना, रीज़न फर्स्ट के लिए, ये यहाँ से अंडरस्टूड है, और एक्स लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, फिर साई सेकेंड एक्स कितना आएगा, आपको रखनी है सी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आई है, 2k अपॉन के प्लस के वन, यानी कि 2k अपॉन के प्लस के वन, और साथ में क्या है ए, और ई की पावर आयोटा के वन एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो उस जगह पे ध्यान रखना, वो जो 2m अपॉन ई माइनस वी नॉट वाला है उसको अपन के वन मानेंगे, दिस इज़ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, समझ में आ गई बात आपको, तो ये आपका यहाँ तक आपके फर्स्ट और सेकंड निकल गए। इसके बाद हमने पिछले उसमें क्या किया था, हमने क्या किया था, इसके बाद मैंने इंसीडेंट, है ना, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन बताए थे, तो इंसीडेंट वेव फंक्शन क्या होगा, फॉर रीजन फर्स्ट, यानी कि एक्स लेस देन ज़ीरो, इफ साई फर्स्ट एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिपेंडेंट पार्ट, यानी कि समय पर निर्भर भाग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम साई फर्स्ट एक्स को, यानी कि इसको, ठीक है, अच्छा इंसिडेंट में ये वाला ही है सिर्फ इंसिडेंट, ठीक है, ये वाला तो कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है, पता ना आपको। फॉर रीजन फर्स्ट इफ साई फर्स्ट एक्स, यहाँ लिखना इफ इंसीडेंट पार्ट यानी कि आपतित भाग, इंसीडेंट पार्ट ऑफ साई फर्स्ट एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिपेंडेंट पार्ट, कितना था वहाँ पे, ई की पावर आयोटा ई टी बाय एच कट, है ना, अगर मैंने पिछले उसमें, मेरे को ध्यान नहीं है, जो ई लेस देन था उसमें हमने जे माना है या फिर आयोटा माना है, कोई इशू नहीं है उसमें, आयोटा का मतलब भी रूट माइनस वन है, और
जे का मतलब भी रूट माइनस वन है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि एक टॉपिक में सेम ही माने है ना, मैं देख लूँगी और पिछले उसमें आपको बता दूंगी ठीक है, तो आप मैंने जहाँ जहाँ आई कराया वहाँ वहाँ जे कर लेना, और अगर आई ही करवाया तो आई ही रहने देना। समझ में आ गई? ठीक है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है उसमें भी फिर उसी के अकॉर्डिंग आप जे या आई कर लेना ठीक है, बाकी एक ही रखना ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, देन वी गेट ए की पावर माइनस आर टा ई टी बाय एच कट ठीक है। दिस इंडिकेट्स द पार्टिकल कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेफ्ट टू राइट आएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस वेव फंक्शन इज सेट टू बी इंसीडेंट वेव फंक्शन ठीक है। सिमिलरली आप रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, पिछला मैंने करवाया हुआ है सेम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ साई फर्स्ट एक्स है ना, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट ई की पावर माइनस आई टू टी एच कट बाय है ना, तो दैट पार्ट इज इंडिकेट द पार्टिकल कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आ गई? यानी कि अगर साई फर्स्ट एक्स के परावर्तित भाग को यदि समय पर निर्भर भाग e की पावर माइनस का जे ई टी बाई एच कट या आई ई टी बाई एच कट से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो प्राप्त होने वाला वेव फंक्शन किसको बताता है? परावर्तित तरंग फलन को। और ये दर्शाता है कि कण जो है वो दाएं से बाएं यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है ठीक है, और यही क्या कहलाता है, परावर्तित तरंग फलन। तो ये बताता है बाएं से दाएं जाने वाले तरंग फलन को है ना, कण को, और वो बताता है दाएं से बाएं जाने वाले कण के तरंग फलन को। समझ में आ गई? तो कल मैं लिखवा दूंगी और वो लाइन, और फिर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, और खुद भी लिखने की कोशिश करो आप लोग भी ठीक है, मैं तो करवाई दूंगी। खैर, फिर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन एंड देन फिर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो अब फटाफट होंगी चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।